हालात जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ रुख मोड़ लेंगे। मेरे तो सारे लोग खाक की तरह से मुड़ते हैं जुबैर। जुबैर आप क्यों खुद को मुझसे अलग करना चाहते हैं? दो दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था। तो दो दिन पहले तक तुम्हारी बहन के सदके में इतनी रकम भी तो नहीं दी जा रही थी ना? लेकिन इसमें सोले का क्या कसूर है? ब्लैकमेल तो फुरकान कर रहा है और वो तो पहले दिन से यही कर रहा है। देखिए जुबैर, सौलिया मुझसे बार बार पूछ रही है, अगर आप कहें तो मैं उसे बता देती हूँ, वो खुद ही देख लेगी कि क्या करना है। क्या देखेगी वो तो मुझे फंसाएगी ना हर सूरत में, शोएब और बिल्कीस की नजरों में गंदा करने के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि वो ऐसा क्यों करेगी। मैं तो इतना भी नहीं समझ सकता कि क्या हो रहा है, जो चल रहा है उसे चलने दो, देखते आगे क्या होगा। हालात जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ रुख मोड़ लेंगे। मेरे तो सारे लोग खाक की तरह से मुड़ते हैं जुबैर। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम अपनी बहन के साथ रहो और उसके अंजाम देखो। अगर उसे अच्छा किया होगा तो उसके साथ अच्छा होगा, और अगर बुरा किया तो उसके साथ बुरा होगा। जुबैर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। यार मुझे सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जुबैर साहब, आपने ज़ारा से छुप के निकाह मेरी वजह से तो नहीं किया था जो आप इस तरह इसके साथ बिहेव कर रहे हैं? निकाह भी तुम्हारी वजह से हुआ था, क्योंकि इसको तुम्हारे लिए पैसों की जरूरत थी, और आज इसको छोड़ के भी तुम्हारी वजह से जा रहा हूं, क्योंकि तुम साजिशों पे उतर आई हो। बहुत चला क्या मिस्टर जुबैर, हमेशा आप दो कश्तियों में सवार रहते हैं। क्योंकि आपको तो पता ही होता है कि जिस कश्ती पे आप सवार होंगे वो एक कश्ती तो डूबेगी। मैं कोई बहस करना नहीं चाहता। बहस किस बात पे करेंगे आप? आपके पास तो कोई दलील ही नहीं है। हाँ इल्जाम हो सकते हैं, और वो कितने लगाएंगे आप? बहुत कुछ सह लिया मेरे ज़ारा की वजह से, अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये तो मुझे कहना चाहिए, लेकिन मैं तो आपको फिर भी बर्दाश्त कर रही हूँ। नहीं तुम बर्दाश्त नहीं करो, जो तुम कर सकती हो बिना झिझक करो, कोई मना नहीं कर रहा तुम्हें। वो तो मैं करूंगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप अपनी बीवी के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो सब गलत है?